एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरी की हार्टबीट बहुत तेज हो गई थी क्योंकि मिस्टर चो के सुसाइड थ्रेट से वो काफी घबरा गई थी। उसे शांत करने के लिए किमजंग उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। यूरी मिस्टर चो से बात करना चाहती थी पर तभी पार्क वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो पहले चो से बात करेगा क्योंकि चो उसका पेशेंट था। बिल्डिंग से नीचे आकर यूरी खुद को ब्लेम करने लगती है कि उसकी वजह से ही चो सुसाइड करने वाला था। उसने ही चो को बताया था कि उसके फ्लैट के ऊपर कोई नहीं रहता। ये कहते हुए यूरी जोर जोर से रोने लगती है। इस पे किमजंग उसे समझाता है कि उसके कारण चो सुसाइड नहीं कर रहा था। हाँ, उसकी गलती थी थोड़ी कि उसने सोचा नहीं कि उसकी बातों का उस पे क्या असर होगा, पर सुसाइड की कोशिश के पीछे उसका अपना इमोशनल स्ट्रगल्स था। किमजंग की बात सुनकर यूरी थोड़ी शांत होती है और फिर कहती है कि उसे भूख लगी है। किमजंग यूरी के साथ उसके घर जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा था और उसके लिए नूडल्स बनाता है। दोनों साथ में बैठ के नूडल्स खाते हैं और यूरी किमजंग को उसे शांत करने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी यूरी की हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत जैसा लगने लगता है। तो किमजंग उसे कहता है कि वो जाकर डॉक्टर पार्क से मिलकर उसे दिखाए। यूरी बताती है कि उसे पहली बार पैनिक अटैक उसके डैड के डेथ के बाद आया था और उसके बाद से कभी कभी आता ही रहता था। तो किमजंग उसे अपनी पीठ पर बिठाकर हॉस्पिटल तक ले जाता था और उसका बहुत ध्यान रखता था। किमजंग के कहने पे यूरी पार्क से मिलती है और उसे बताती है कि जब वो स्कूल में थी तो उसे बहुत पैनिक अटैक्स आते थे पर काम शुरू करने के बाद से बंद हो गए। पार्क कहता है कि कुछ लोगों के केस में सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। अगले सीन में यूरी अपने कैफे में थी, तभी किमजंग अंदर आता है। उसे देखकर यूरी की धड़कन फिर से तेज होने लगती है और पैनिक अटैक जैसा फील होता है। यूरी डॉक्टर पार्क के बताए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यूज करके खुद को शांत करती है। यूरी किमजंग पे गुस्सा करती है कि हमें तो सिर्फ काम रहने पे मिलना था तो तुम हमेशा ही क्यों आ जाते हो। किमजंग कहता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से वो जब चाहे आ सकता है। यूरी फिर चो से मिलने हॉस्पिटल जाती है। चो कहता है कि वो साउंड्स की तरफ कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है क्योंकि पहले वो एक म्यूजिशियन था। काम की वजह से उसे पीने की आदत लग गई थी और इस कारण उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो गया था। ड्रिंकिंग छोड़ने की कोशिश में उसके कान और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे और इसलिए वो वैसा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। चो ये भी कहता है कि वो लॉसूट फाइल करना चाहता है। कैफे में यूरी ने दोहान के अगेंस्ट लॉसूट फाइल करने के लिए पेपर्स रेडी कर लिए थे। किमजंग कहता है कि मैंने तुम्हें स्पेस रेंट पे इसलिए दिया क्योंकि तुमने कहा था कि तुम लोगों को सिर्फ कंसल्टेशन दोगी और प्रॉब्लम से दूर रहोगी, पर तुम तो उल्टा ही कर रही हो। तो यूरी कहती है कि मैं तो दूर रहने वाली थी पर कल तुम्हारी बात सुन के ही मोटिवेट हो गई। तुमने ही छत पे चो से कहा था कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ मिलके लड़ेंगे। किमजंग कहता है कि वो तो मैंने बस मोमेंट में आगे कह दिया था, पर फिर हार मान जाता है क्योंकि यूरी तो सुनने वाली थी नहीं। किमजंग कहता है कि तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि गलती कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों की है, पर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि बिल्डिंग 16 साल पुराना है और इसलिए तुम हार जाओगी। तो यूरी कहती है कि इसलिए हमें साथ में काम करके केस बनाना चाहिए और उसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहिए। इधर दोहान कंपनी में एक कॉमिक को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था क्योंकि उसमें दोहान के बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जिसको जानने के लिए राइटर को दोहान का मेंबर होना होगा। किसी को भी उस राइटर के बारे में कुछ नहीं पता था और ये लोग पब्लिशर से राइटर का नाम पता करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम उस पब्लिशर को देखते हैं जो राइटर से फोन पे बात करके बता रहा था कि दोहान कंपनी के लोग आकर उससे उसके बारे में पूछ रहे थे। उस समय हमें ये पता चलता है कि किमजंग ही वो उस नॉवेल का राइटर है। अगली सुबह किमजंग देखता है कि उसकी बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों की भीड़ आ रही है। किमजंग कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि बिना लैंडलॉर्ड के परमिशन के 30 से ज्यादा लोगों को एक साथ बुलाना अलाउड नहीं है। अभी कैफे खोले एक वीक भी नहीं हुआ है और यूरी ने रूल्स तोड़ना शुरू भी कर दिया। किमजंग कैफे पहुंचता है तो वहां चो के बिल्डिंग के लोगों की भीड़ थी और यूरी सबको बता रही थी कि बिल्डिंग में नॉइज एवरेज में 68 डेसिबल्स है जो कि 50 से ज्यादा होना अलाउड नहीं है और इसलिए लोगों को अपने ही घर में पागल जैसा फील होता है। ये सब इसलिए क्योंकि बिल्डिंग ही गलत बना है, कंस्ट्रक्शन वर्क में ही फॉल्ट है और इसलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी के अगेंस्ट लॉसूट फाइल करना ही बेस्ट अप्रोच है।
बिल्डिंग बनने के पहले तो इंस्पेक्शन किया जाता है, पर बिल्डिंग बनने के बाद नहीं। और इसका फायदा उठाकर बिल्डर्स बिल्डिंग बनाने में बेकार मटेरियल्स का यूज करते हैं। एक रेसिडेंट पूछती है कि लॉसूट जीतने पे हमें कितना पैसा मिलेगा, तो किम जंग खड़ा होकर आंसर करता है और बताता है कि एक ऐसे ही रिलेटेड केस में 170 रेसिडेंट्स ने अपने बिल्डर के खिलाफ लॉसूट फाइल किया था और लॉसूट जीतने पे उन्हें कुछ $1,000 मिले थे। तो अगर लीगल एक्सपेंसेस को हटा दिया जाए तो बहुत कम पैसे ही मिलेंगे। बिल्डिंग 16 साल पुराना है, तो हाउसिंग मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से दुहान कंस्ट्रक्शन पे बिल्डिंग रिपेयर की जिम्मेदारी है भी नहीं। किम जंग की बात सुनकर सारे रेजिडेंट्स लॉसूट के अगेंस्ट होने लगते हैं। यूरी फिर गुस्से में किम जंग के पास आके उस पे चिल्लाती है, तो किम जंग कहता है कि एक अच्छे लॉयर को अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचना चाहिए। मान लो हम साथ में काम करते हैं और इतने सारे लोग अपना पैसा और समय इन्वेस्ट भी करते हैं, पर एंड ऑफ द डे उन्हें क्या मिलेगा, बस कुछ $1,000 ही। पर यूरी उसकी बात से अग्री नहीं करती। यूरी अपने ऑफिस में बैठकर यही सब के बारे में सोच रही थी, तभी चो की वाइफ और बेटी वहाँ आते हैं। यूरी उसे बताती है कि वो बिल्डिंग के लोगों को लॉसूट के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही है। तो मिसेस चो कहती है कि वो लॉसूट ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि वो भी उस घर में रही है और उसे पता है कि कितना नॉइज होता है। अगले दिन और भी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि वो लोग लॉसूट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब यूरी भी मोटिवेट होने लगी थी और लॉसूट फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। यूरी फिर किम जंग को कहती है कि तुम बस मुझे क्रिटिसाइज करते हो, वो तो कोई भी कर लेगा, तुम इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन सजेस्ट करो। किसी तरह यूरी किम जंग को कन्विंस कर ही लेती है। किम जंग फिर यूरी को अपना आइडिया समझाता है। दुहान कंस्ट्रक्शन ने नया अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट किया है पैलेसियो हिल, जिसका फाइनल इंस्पेक्शन बचा है। उनका प्लान है कि इसे पैलेसियो होटल से लिंक करके लग्जरी अपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। ऐसे समय में वो लोग नॉइस कंप्लेंट्स की वजह से बैड पब्लिसिटी नहीं चाहेंगे, इसलिए हमें किसी तरह पैलेसियो हिल्स को इस स्टोरी में घुसाना होगा और ये स्टोरी को क्रिएटिव वे में पब्लिक तक लाना होगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोग अपना बैंड बनाते हैं और हर कोई बिल्डिंग के अलग अलग अपार्टमेंट्स में से परफॉर्म करते हैं। इतने में ही वो लोग रुकते नहीं है और जगह जगह अपना कॉन्सर्ट करते हैं, जिसको नाम दिया गया था नॉइस कंप्लेंट कॉन्सर्ट। और इस सारी प्रॉब्लम पे यूरी एक वीडियो बनाकर अपलोड करती है, जिसमें वो बताती है कि उन लोगों ने डीकंस्ट्रक्शन के बनाए एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में परफॉर्म किया और एक दूसरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जिसे वाई कंस्ट्रक्शन ने बनाया था उस पे भी परफॉर्म किया। दोनों अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस का लेआउट तो सेम ही था, पर डी कंस्ट्रक्शन के अपार्टमेंट में नॉइज बहुत ज्यादा था कम्पेयर टू वाई कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स। तो मे भी डी कंस्ट्रक्शन के अपार्टमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है और डी कंस्ट्रक्शन ने एक नया अपार्टमेंट भी बनाया है जिसका फाइनल इंस्पेक्शन बचा है, तो मे भी ये सारे प्रॉब्लम्स उस नए अपार्टमेंट में भी हो। और इस तरह से यूरी दोहान कंस्ट्रक्शन का नाम डायरेक्टली लिए बिना ही सारी प्रॉब्लम और पैलेसियो हेल्थ के बारे में भी बता देती है। तो इस पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं, रिमेनिंग पार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।